उसको क्लाइमेट कहेंगे। दोबारा कहिए। इज ही करेक्ट युग से डाउन मीनिंग सही था इसका, डिफरेंस सही था। मास्क ऊपर कर लो दोनों। वेरी गुड, सिट डाउन। सो क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म एटमोस्फेरिक कंडीशंस प्रिवेल्स इन अ एक्सटेंसिव एरिया, जैसे इंडिया, इन्होंने कहा, इन्होंने इंडिया कहा, इन्होंने अगर ये एशिया कहते वो भी सही था, एक्सटेंसिव एरिया हो जाता, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया वो भी एक एक्सटेंसिव यूनिट है, ठीक है ना। वेन अ एटमोस्फेरिक कंडीशंस आर कंसर्न्ड अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज अ वेदर। कल बारिश हुई, जेपी नगर में हुई, स्कूल में हुई, स्कूल के बाहर नहीं हुई, आदर्श नगर चौक तक नहीं हुई, इट विल बी एज अ डिस्टेंस ऑफ 100 meters, 100 meters से गैप में वेरिएशंस आ गई, दीज आर द वेदर। ये भी इन्होंने सही कहा, वेदर आर द वेदर इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर एज अ क्लाइमेट इज एसोसिएटेड विद अ एक्सटेंसिव एरिया, लार्ज एरिया। वेदर इज रिलेटेड विद अ शॉर्ट टेन्योर, इन्होंने यही कहा, आवर टू आवर चेंज हो रहा है। यहाँ 30 minutes 40 minutes के लिए रेन हुई जेपी नगर स्कूल में हुई, उसके बाद बाहर निकलो, बाहर रेन ही थी नहीं, ठीक है ना, कुछ देर तक हुई, उसके बाद चेंजेस आ गए। सुबह आदित्य धीमान को ठंड लग रही थी बहुत, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock 5 o'clock 7 o'clock, ठीक है, रेन ठंड होती है, उसके बाद चेंजेस आने लगते हैं, जैसे सनराइज होता है गर्मी बढ़ने लगती है, चेंजेस इन अ वेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर प्लेस दे विल बी एज अ शॉर्ट टर्म ऑफ एटमोस्फेरिक कंडीशन आर नोन एज अ वेदर, ठीक है ना। जैसे इन्होंने कहा 30 to 40 years, किसी कंट्री का क्लाइमेट 30-40 years के बाद चेंज हो जाता है, अभी वो ट्रांजिशन चेंज है, वो चेंज आ रहा है, चेंज कैसे, अभी समर्स है एक्सपैंड होते जा रहे हैं, विंटर्स श्रिंक होते जा रहे हैं, पहले नॉर्मली होता था, अगर आप 20-30 years बैक चले जाओ, अक्टूबर में ब्लेजर शुरू हो जाते थे आपके स्कूल में, अभी क्या दिसंबर के मिड में जाके ब्लेजर्स या हाफ स्वेटर स्टार्ट होते हैं, विंटर्स का टेन्योर कम होता जा रहा है, वो विंटर्स जो कि जनवरी में रहते हैं फरवरी मिड तक वो ब्लेजर भी चले जाते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड, दिस इज एज अ ट्रांजिशन टाइम पीरियड व्हेन अ क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री हैज स्टार्ट्स टू चेंज। इंडियाज क्लाइमेट इज अ मॉनसूनल, जिसके कारण इंडिया में देयर आर द 4 of the seasons आर एक्सपीरियंस बाय द पीपल, विंटर समर ऑटम एंड स्प्रिंग, ठीक है ना। टिल देयर एनी क्वेश्चंस। क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म एटमोस्फेरिक कंडीशंस प्रिवेल्स इन अ एक्सटेंसिव एरिया वेयर एज अ वेदर इज अ शॉर्ट टर्म एटमोस्फेरिक कंडीशंस प्रिवेल्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस। क्लाइमेट चेंजेस 30 to 40 years, वेदर चेंजेस आवर टू आवर। सुबह ठंड लग रही थी आदित्य को बहुत, मेरा ब्लेजर लेके आना, यही कह रहा था। चलो डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड वाटर, क्लियर। नेक्स्ट, फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग एज अ क्लाइमेट ऑफ इंडिया, हिमालयास, डिस्टेंस फ्रॉम सी, हिमालयास, डिस्टेंस फ्रॉम सी, जेट स्ट्रीम्स, दीज आर फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। डिस्टेंस फ्रॉम सी, हिमालयास, जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम्स STREAMS, कम तो नहीं आवाज, जेट स्ट्रीम्स, so these are the factors affecting as a climate of India. Afterwards we will discuss about the mechanism of monsoons. There are two of the concepts are associated with the monsoons. One is a traditional concept which has influenced by the atmospheric pressure. Second concept has associated with the ocean current, El Nino effect, ELNINO. Isme thodi si confusion hoti hai bachcho ko, El Nino, theek hai. Afterwards we will discuss about the 4 of the seasons. What kind of the conditions are prevailing in India in a 4 seasons, winter, summers, spring and autumn. And at the last, we will discuss about the distribution of rainfall. Theek hai? Till there, any questions? Haanji? Mechanism of monsoons. MECHANISMS. Mechanism of monsoons. Yes. Hello. So in this chapter, we will learn about some of the terms.
टाइमली बार बार पढ़ूंगा, ठीक है, इससे अच्छा पहले क्लियर हो जाए। पहली रेंज ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इट मीन्स रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर, दोबारा वो, वेरी गुड, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर हैज रिकॉर्ड्स टिल द 2 o'clock एवरी डे एंड द लोएस्ट टेम्परेचर हैज रिकॉर्ड्स इन पर्टिकुलर एरिया मिडनाइट 1 AM, 1 AM तब तक लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, बिकॉज एट टिल दैट एक्सटेंट अर्थ हैज टोटली रिलीज्ड सच हीट विच एब्सॉर्ब बाय द अर्थ सर्फेस ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम अर्थ रिसीव्स द हीट, इन नाइट टाइम अर्थ स्टार्ट्स टू रेडिएट द हीट, व्हाटएवर द हीट विच हैज रिसीव्ड बाय द अर्थ, अर्थ क्रस्ट इट स्टार्ट्स टू रिलीज। उसके बाद जब अर्थ में हीट नहीं होगी देन द एरिया इट विल एक्सपीरियंस द, यस, नहीं नहीं जहां से आ रही है वहीं चली जाती है, सन से हीट आ रही है सरफेस पे, अर्थ रिसीव कर रही है हीट को, इसलिए आपको गर्मी लग रही है, ठीक है ना। रात को क्या होता है, यही हीट रिलीज करती है, अर्थ रिलीज कर देती है, वो वापस एटमोसफेयर में चली जाती है, उसके बाद आपको ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हीट नहीं होगी तो ठंडी लगेगी, सर्दियों में सोर्स ऑफ हीट नॉट प्रेजेंट इन एटमोसफियर ड्यू टू एज अ क्लाउड्स, हाँ हीट निकल जाएगी तो वो एटमोसफेयर में चली जाती है। अगर उस टाइम पे अगर क्लाउड्स होंगे इट विल बी स्टक, अगर हीट रिलीज हो रही है अर्थ से, क्रस्ट से रिलीज हो रही है, उस टाइम क्लाउड्स आ जाए वो हीट आपको एक्सपीरियंस होगी इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, सफोकेशन की उसको प्रॉब्लम होगी। यस, हाँ जी, क्या टेम्परेचर कम होता है कंपैरेटिवली डे टाइम, ठीक है ना, डे टाइम आपका एसी चलता है, रात को मिडनाइट में एसी बंद हो जाता है, वो उस कारण आपको ठंड लग रही है, क्यों लग रही है, हीट कम है। चलें आगे, ओके, सेकंड, कंटूअर्स, कंटूअर्स, CONTOURS, कंटूअर्स आर दोस इमेजिनरी लाइंस विच आर ड्रॉन ऑन मैप्स टू शो एरियाज एक्सपीरियंसिंग सेम हाइट, ड्रॉन ऑन मैप्स to show areas experiencing the same height altitude। अगर मैप के ऊपर शिवांश जी माउंटेन्स बनाना चाहते हैं, पूरे हिमालयस को बनाना चाहते हैं, इफ यू आर ड्रॉइंग एज अ लाइन्स, लाइन्स आर नॉट अंडरस्टूड बाय द अदर्स, ज्योग्राफर्स आर यूज एज अ कंटूर लाइन्स टू शोइंग द हाइट ऑफ अ सेम altitudinal areas। फॉर example, शिवालिक्स एवरेज हाइट इज 1200 meters, 1200 meters शिवालिक्स जहां जहां होंगे, हिमाचल, पंजाब, पार्ट्स ऑफ नेपाल, उन एरियाज में एक सेम लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी। Imaginary lines which are drawn on map to show height or same altitudinal areas, second iso heights, ये map बना हुआ है book के अंदर, किसके पास book है, geography की book, आराम से आया कीजिए थोड़ा आराम से, imaginary lines, all are imaginary lines, contours, these are iso heights, monsoons are averagely, as an averagely they are approaching in India at the coast of a Kerala in a first week of a June, afterwards 45 to 50 days they are reaching in a parts of a northern India, so these lines are indicating that the monsoons, jo rain hai kin areas mein kis date mein ho rahi hai, for example 1st June these areas are receiving as a rain, afterwards as a 5th June, then the 10th June, 15th June, then the 1st July, so iso heights, these lines are known as iso heights, ISOHYTES, हाँ जी, हाँ जी, 40-45 दिन लग जाते हैं, ठीक है ना, कारण है उसके पीछे भी, रीजन है बताएंगे आप, पेशेंस, यस, आइसो हाइट्स,
ISOHYTES, those imaginary lines drawn on map to showing the areas receiving the same rainfall, precipitation. Clear? Third, isotherms, THERMS, isotherms, ISOTHERMS, those imaginary lines drawn on map to showing the areas is experiencing the same temperature, isotherms. Next, isobars. ये भी मैप बना हुआ है इसका बुक के अंदर. आइसोबार्स, दोस इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन मैप टू शो एरियाज एक्सपीरियंसिंग द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, atmospheric pressure. एवरेज बताया उन्होंने, एवरेज हर साल अनसर्टेन रहता है बिकॉज नॉर्मल हैज नॉट कॉज एज अ नॉर्मल रेनफॉल इन एवरी ईयर. सम ऑफ द ईयर्स आर देयर, गिल्बर्ट इज देयर व्हिच हैज इंट्रोड्यूस्ड अ मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून्स. उसने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था इंडिया में मॉनसून्स कैसे आते हैं. ही एक्सपीरियंस्ड 100 ईयर्स ऑफ इंडियन मॉनसून्स, 100 ईयर्स की हिस्ट्री को ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया. दोस विंड्स विच आर ओरिजिनेट फ्रॉम अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दे आर रीचिंग इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ अ Southwest monsoon winds. ठीक है ना, उसने assume किया, वो बाद में बताएंगे आप, जितना बताया उतना रखो दिमाग. ठीक है ना, so there are certain number of instruments are there through which we can measure the such weather phenomena. For example, precipitation can measure through the very good rain gauge, GAUGE, rain gauge used to measure the amount of rainfall. Second, atmospheric pressure. Barometer used to measure the atmospheric pressure. Barometer, atmospheric pressure. Humidity measure through the humidity. What it means humidity? A presence in air, wind. Very good. Heather graph, HYTHER. HYTHER. Graph, GRAPH. क्या कर रहे थे आप बताओ? Temperature. अखिलेश उपाध्याय, टेम्परेचर, थर्मोमीटर. यू डोंट अंडरस्टूड बी आर, थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर. नेक्स्ट आर, हाँ जी ठीक है, गलत नहीं है. वट एवर द क्लाइमेट इज देयर, क्लाइमेट हैज इंक्लूड्स द कंपोनेंट्स ऑफ द वेदर ऑल्सो. वट आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड द वेदर? आप कुछ कह रहे थे, टेम्परेचर which has recorded in area. पहले जो सोशल लैब थी उसके अंदर था, बैरोमीटर भी था हमारे पास, वो थर्मोमीटर भी, टू विच वी कैन मेजर एज अ टेम्परेचर एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर. सो नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट? फर्स्ट ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वॉटर प्रेजेंट इन एयर. ह्यूमिडिटी, एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट और वेदर आर फर्स्ट ह्यूमिडिटी, amount of water present in air. What another synonym we can use? Moisture. Huh. Elevation from sea is not the element of climate. This is a factor of climate. Many element jo cheeze climate mein include ki jati hain. Temperature, very good. Temperature means degree of hotness and coolness. Yehi aapne science mein padha hai, bio mein. Very good. Third, atmospheric pressure. एटमोस्फेरिक प्रेशर. योग शर्मा, व्हाट इट मींस एटमोस्फेरिक प्रेशर? फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने.
साइंस में पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ। बताओ एटमोस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मास ऑफ एयर, मास ऑफ एयर, जहां एयर की प्रेजेंस, विंड की, एयर की प्रेजेंस ज्यादा है, दे विल बी एज अ हाई प्रेशर, जहां कम है वहां लो प्रेशर। कम कहां होगा, जहां टेम्परेचर हाई रहता है, बिकॉज ऑफ वार्मर विंड्स दे बिकम्स एज अ लाइटर एंड इट राइजेस अप, जहां विंड्स राइज कर जाए, सॉरी एयर राइज कर जाएगी, लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। एटमोस्फेरिकल लेवल हाँ डिक्रीज करता है। टिल देयर एनी क्वेश्चंस? नेक्स्ट, रेणुका सेड प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन हाँ, इसीलिए जो शिवांश क्या कहता है जून के मध्य में, इट विश टू मूव टुवर्ड्स कुल्लू मनाली दार्जिलिंग एंड डलहौजी बिकॉज अ यू हैज एक्सपीरियंसिंग द 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन अ प्लेन्स ऑफ इंडिया वेयर एज अ शिवांश मूविंग टुवर्ड्स सच ऑल्टीट्यूडनल एरियाज बिकॉज द टेम्परेचर इज अ लो कंपैरेटिवली प्लेन्स। अगर टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा, हवा ठंडी होती है हैवियर हो जाती हैवी चीज सरफेस के साथ रहेगी, हॉट हल्की हो जाती है वो राइज कर जाती है। आपने बलून देखा होगा, गैस का बलून, उसके अंदर लाइट एयर होती है वो राइज कर जाता है ऊपर, हाँ जी हीलियम होती है, लाइट होती है वो, ठीक है ना। चले आगे, ओके, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल विच हैज फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सो व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, स्टार्ट फ्रॉम द अखिलेश, फर्स्ट forms of precipitation, do you know, stand up, next, rain, sit down, next, stand up, next, forms of precipitation, snowfall, sit down, next, no, next, in so many are there, stand up, next, forest fire, hai, nahi hai, forest fire, pani girta hai zameen ke upar, yes, आपको रेन नहीं समझ रहा, प्रेसिपिटेशन मींस द वे थ्रू व्हिच एज अ सॉलिड लिक्विड और गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर फॉल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। हियर सिट डाउन, नेक्स्ट, रेन, रेन तो हो गया पहले, उन्होंने कह दिया, फॉग, सिट डाउन ना, स्टैंड अप, नेक्स्ट, ड्यू, नेक्स्ट, स्लीट, सिट डाउन, नेक्स्ट, ड्रिजल, सिट डाउन, सो मेनी आर देयर, ऑल दीस आर फॉर्म्स ऑफ रेन to which as a waterfall on the surface of earth crust, sleet, hail, आपने पढ़े हुए हैं, dew, sit down, frost, fog, so students also given their answers, the rain, very good, clear, ठीक है, one more thing, Coriolis force, ये भी chapter में बहुत बार use होगी, Coriolis force, Coriolis force, the force exerted on earth crust, force exerted on earth crust due to rotation of earth, exerted on earth due to rotation of earth, earth rotates around its axis, very good, Shivansh, can you tell me what is the direction of a rotation of the earth, clockwise, डायरेक्शन क्लॉकवाइज करेंगे, डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट का आपने, आपने क्लॉकवाइज का, क्लॉक ऐसी रोटेट करती है, आपने ईस्ट टू वेस्ट का, एज अकॉर्डिंग टू योर वॉच ईस्ट कम्स फर्स्ट एंड वेस्ट कम्स लेटर, ऐसे कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, क्लॉकवाइज घूमती है, कमनूर योर ओपिनियन, अर्थ रोटेशन इट्स एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, 9-3 जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ विंड्स आर डाइवर्टेड राइट हैंड साइड इन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट हैंड साइड इन अ साउदर्न हेमिस्फीयर, बोलो अब बोलो, सर ईस्ट से राइज होता है, वेस्ट में सनसेट होता है, चले वेस्ट टू ईस्ट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज अर्थ रोटेट हो रही है, ऐसे रोटेट हो रही है, अगर मैं ऐसे घूमू, ठीक है, ऐसे ठीक है, चलिए, यस, द रेन,
acting as a climate of Earth are the first latitudes. 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 Aditya Dhiman, 0 to 23 and a half degree north to the south, what we call to a dead zone of the earth, which heat zone has lies in a 23 and a half degree north to the 23 and a half degree south? Very good. Torrid zone. Torrid zone has experienced a vertical sunrise throughout the year. Twice in a year, when the sunrise are may fall vertical over the equator, vertical over the equator, that state is known as, yes, Kanish Kareem, Kanish, Pranay, yes, Pranay. When sun rays fall vertical over equator only, it happens twice in a year, in 22nd of March and 23rd of September. What we call to a dead state when sun rays are fall vertical over equator, Pranay? मैंने कहा sun ki rays जब vertical equator के ऊपर होते, उसके लिए एक word use किया जाता है क्या? मतलब ही तो पूछ रहा हूँ आपसे. मैंने कहा सन रेज साल में ऐसा दो टाइम होता है व्हेन दे आर फॉल वर्टिकल ओवर अ इक्वेटर. एक 22nd मार्च में होता है, 23rd सितंबर में होता है, जब सन रेज वर्टिकल होती है इक्वेटर पे. उस स्टेट को क्या कहा जाता है? आपने पढ़ा हुआ है सिक्स में था. यस, इक्विनॉक्स. इक्वेटर इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स आते हैं हैपिशंस. 22nd of March, 23rd September, इक्विनॉक्स. सनरेज फॉल वर्टिकल ओवर इक्वेटर. सोलस्टिस इज अ स्टेट व्हेन सनरेज आर फॉल वर्टिकल ओवर अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आइदर कैप्रिकॉन. समर सोलस्टिस इज अ स्टेट व्हेन अ सनरेज फॉल वर्टिकल ओवर अ 23.5 degree नॉर्थ. कैंसर के ऊपर होती है 23.5 degree नॉर्थ on Tropic of Cancer on 21st of June, 22nd December, Tropic of Capricorn, the state of a winter solstice. Winter solstice. हाँ, अगर sunrays यहाँ पर हैं, इस एरिया में हैं, Tropic of Capricorn, which has passed through the mid of the Australia, there will be as the longest day records, 22nd of December. उसी टाइम पे, जब 21st, यहाँ सबसे छोटा दिन होगा. 21st जून में यहां सबसे बड़ा दिन होगा. 21st जून लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है ना? अर्थ की मूवमेंट है. अर्थ हैज अ टिल्टेड एट अ 66.5 degree. टिल्टेड है, वो वर्टिकल नहीं है, टिल्टेड है, झुकी हुई है एक साइड. ठीक है ना? वो रेगुलरली सेम प्रोसेस होता है. सो व्हेन द सन रेज आर मे फॉल वर्टिकल ओवर अ टॉरिड जोन, इट एक्सपीरियंस इट रिसीव्स एज अ मोर हीट. More heat on earth. So that's why the more heat leads to the more evaporation and more precipitation. That's why the equatorial areas are receiving as a plenty of a rainfall. More than 200 centimeters annual rainfall has recorded in this zone nearer to the equator. And where the more than 200 centimeters annual rainfall has recorded, Pranay, what kind of a vegetation has generally growing in such areas? Areas receiving the more than 200 centimeters annual rainfall. जहां रेनफॉल इतनी हो रही है उस एरिया में कैसी वेजिटेशन होगी? वेजिटेशन, यस नित्य. विच टाइप ऑफ द वेजिटेशन? इट विल बी एज अ रिजल्टेड ड्यू टू द एक्सेसिव रेन इन इक्वेटर नॉर्थ. ट्रॉपिकल एवरग्रीन डेसिडुअस तो होगी नहीं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन होगी, विच विल ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. More rain, evergreen forest, tropical evergreen forest. हाँ जी, वही पूछा आपको, वही तो आया नहीं, वही पूछा मैंने. This is as related to this. Clear? Due to as a latitudes, a torrid zone has receives a more heat, more precipitation, and a tropical evergreen forest. As compared to this, the temperate and frigid zone, they are experiencing a low heat,
That's why that these areas are experiencing the low temperature, high temperature, low temperature. First factor which is affecting the climate of area, climate of Earth. Clear? Latitude. Any doubts? Second, altitude. Second is the altitude. When we increases the, when we move the upward direction, when we move the upward direction, temperature starts to decrease. Increase in height, decrease in temperature. Increase in height, decrease in temperature. इसलिए शिवांश जाते हैं कुल्लू मनाली दार्जिलिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून जुलाई, ठीक है ना? समर्स में उस टाइम पे प्लेन्स में टेम्परेचर 40 प्लस होता है, उसी टाइम पे माउंटेन्स में टेम्परेचर आपको लो मिलेगा. रीजन, नॉर्मल लैप्स रेट. व्हाई? बिकॉज़ नॉर्मल लैप्स रेट, एन ओ आर एम ए एल, नॉर्मल लैप्स, एल ए पी एस ई आर ए टी ई. क्लियर? नॉर्मल लैप्स रेट इन विच टेम्परेचर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ आफ्टर एवरी 165 मीटर्स 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल डिक्रीज. After every 165 meters, 1 degree Celsius decreases. Or 1000 meters, how much temperature it will decrease? Very good. 6.25 degrees Celsius. This process, it will be continued till the height of? There are a number of the layers in atmosphere are there. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. Sorry? Second wali layer, stratosphere. उसके एंड तक, उसकी बिगनिंग से एंड तक ना, जहां तक ट्रोपोस्फीयर का एक्सटेंट है, एवरेज हाइट टिल द हाइट ऑफ अ 13 किलोमीटर, दिस डिक्रीज इन टेम्परेचर विल कंटिन्यूसली अकर, कंटिन्यूसली अकर. टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा उस लेवल तक, ठीक है ना? विच इज एज हाइएस्ट पॉइंट इन अर्थ, इतनी देर, व्हाट इज देयर हाइट? 8848 meters.